राजकुमार राव। आज मैं आपको तीन बहुत ही स्पेशल लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ। अनुराधा लखनऊ से, सुमन गाजीपुर से और अंकित सोनभद्र से। हमारी सोसाइटी में औरतों के साथ होती हिंसा को लेकर अक्सर एक चुप्पी छाई रहती है, पर इन तीनों ने इस चुप्पी को तोड़ा है। अपनी अपनी जिंदगी में औरतों के साथ होती अलग अलग तरह की हिंसा के खिलाफ कदम उठाकर उसको रोका है। अनुराधा की फ्रेंड डोमेस्टिक वायलेंस का सामना कर रही थी और उसके घर वाले ये बात मान ही नहीं रहे थे। अनुराधा ने अपनी फ्रेंड को एक फोन भिजवाया और उसे बोला कि जब भी उसके साथ हिंसा हो वो उसे रिकॉर्ड करे। इन रिकॉर्डिंग्स की वजह से आज अनुराधा की दोस्त के पास अपने पेरेंट्स का सपोर्ट है और वो उस अब्यूसिव शादी से निकल चुकी है। अपनी खुद की फैमिली में हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर आप बच्चे हों तो और भी मुश्किल। पर अंकित ने यह कर दिखाया। उनके पिता उनकी मम्मी की तरफ वायलेंट थे। धीरे धीरे उनके घर में होने वाली ये हिंसा कम होती गई अंकित की वजह से। उसने अपनी मम्मी से अपने पिता के बिहेवियर पर एतराज जताया और अपनी मम्मी को हौसला देकर उनके साथ मिलकर अपने पापा को यह एहसास दिला दिया कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है, अब उनको अपना बर्ताव बदलना ही पड़ेगा। ऐसे ही सुमन ने भी अपनी सहेली के साथ होती सेक्सुअल हरासमेंट को रोका। ये आसान नहीं था क्योंकि जो लड़के उसकी दोस्त के साथ ये कर रहे थे वो प्रिंसिपल के जान पहचान के थे। उसकी सहेली को स्कूल के रास्ते में तंग करते और तो और उन्होंने उसकी फोटो फेसबुक पे भी डाल दी थी। पर सुमन ने हार नहीं मानी और पुलिस को बुलाकर उन लड़कों से माफी मंगवाई और उनसे वो फोटो भी डिलीट करवाई। अनुराधा, अंकित और सुमन, यू आर एन इंस्पिरेशन टू अस ऑल। आपकी दखलअंदाजी ने साबित कर दिया है जब आवाज उठे तब हिंसा रुके। आप तीनों ब्रेक थ्रू के दखल दो कॉन्टेस्ट के विनर्स हैं। कंग्रेचुलेशन एंड अ बिग बिग थैंक यू। दोस्तों, समय आ गया है कि हम भी दखल देना शुरू करें, महिलाओं के साथ होती हिंसा को रोकें। दखल दो, जब आवाज उठे तब हिंसा रुके। ज्वाइन ब्रेक थ्रूज दखल दो कैंपेन।